बिहार सरकार का कैबिनेट विस्तार 16 जनवरी को होने वाला है और अब जीतन राम मांझी ने इस कैबिनेट में भी अपनी एक सीट पाने के लिए ताल ठोक दी है। आज हम की कार्यकारिणी की बैठक थी जिसमें जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि वो नए कैबिनेट विस्तार में भी मंत्री का एक पद चाहते हैं। यही नहीं, वो राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले 12 MLC में से भी एक सीट चाहते हैं, जिसके लिए वह नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे। बता दें, अभिजीतन राम मांझी के पुत्र संतोष चुमन MLC हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। बिहार कैबिनेट के विस्तार में BJP और JDU के बीच 50-50 पर फार्मूला तय हुआ है और मांझी का ये आज का बयान JDU कोटे की एक सीट को कम कर सकता है, क्योंकि चुनाव में JDU ने ही अपने कोटे से हमको 7 सीटें दी थी, जिस पर 4 पर हमने जीत दर्ज की थी। हालांकि सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी अपने पुत्र संतोष सुमन को सौंपकर खुद पार्टी के संरक्षक की भूमिका अदा कर सकते हैं। वहीं मांझी ने आज ऐलान कर दिया कि वह JDU के साथ पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी उतरेगी तथा झारखंड के साथ ही दिल्ली में अपनी पैठ बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज़।